हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम 2015 के पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको इससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा, जो भी 2024, 25, 26 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं या आगे भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है और उनका एक डिटेल्ड एनालिसिस उसे पता होना चाहिए, और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं ये सब पता होना चाहिए। तो आइए समय को बचाते हुए तैयारी कर शुरू करते हैं। तो ऐसा पेपर आता है, जो लोग नहीं देखे होंगे तो सेम यही पेपर, यूपीएससी का ओरिजिनल पेपर ऐसा ही होता है। तो पहला क्वेश्चन है आज पॉलिटी का, तो ये कह रहा है कि आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो 14वें वित्त आयोग की बात करता है, तो हम पहले ऑप्शन ए पढ़ेंगे इसका, कि इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला प्रतिशत 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। ऑप्शन दो है, इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े यानी कि सेक्टर स्पेसिफिक अनुदानों से संबंधित सिफारिशें की हैं। तो इसका आंसर है ओनली केवल वन, ठीक है। तो इसने क्या है कि एक जो इसने सिफारिशें की 14वें वित्त आयोग ने, तो वो किया कि जो केंद्र और राज्यों को जो बंटवारा होता है वो 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। दूसरा हम देख लेते हैं कि जो वित्त आयोग है, आप यहाँ देखेंगे वित्त आयोग ये कहाँ आता है, आर्टिकल 280 में, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड जो रहता है, टाइम पीरियड रहता है इसका 5 ईयर के लिए, हर 5 साल में नया गठन होगा। और इन्हें कौन गठित करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। तो अभी जैसे कि 15वां वित्त आयोग भी हो चुका है और अब 16वां नया गठन हो चुका है, तो 16वें के जो चेयरमैन हैं वो हैं अरविंद पनगड़िया जी, ठीक है। और 15वें जो वित्त आयोग था इसका चेयरमैन आपको कमेंट में बताना है कौन थे, ठीक है। तो इनकी हम सिफारिशें देख लेते हैं। तो जैसे 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें हम देखेंगे, तो 14वां वित्त आयोग जो सिफारिश, इन्होंने एक सिफारिश तो यही की थी ऑप्शन ए। दूसरा इन्होंने क्या है, जो कि जो फिस्कल डेफिसिट होता है, राजकोषीय घाटा, उसको 3% 2016-17 से लेकर 2019-20 में, सॉरी 2019 से 20 के अंदर 0% लाने की बात कही थी। और अगर जीएसटी लागू होने पर, राजस्व हानि होने पर, इन्होंने राज्यों को 100% की क्षति, यानी कि अगर जीएसटी लागू की जाती थी उस समय की बात है, तो 100% अगर हानि हो रही, तो जीएसटी 3 साल के लिए केंद्र राज्यों को पैसा देगा, यही बात ये कह रहा था, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं 15वें वित्त आयोग की। तो 15वें वित्त आयोग ने जो कहा था, इसने ये जो अवधि थी उसे 2026, ये जो 42% थी इन्होंने 41% कर दिया, कौन सी, इस वाली अवधि को, ठीक है। तो ये 2021 से 26 की अवधि थी और इसमें लगभग 42.2 लाख करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी, ठीक है। और ये क्षैतिज हिस्सेदारी की बात करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि वित्त आयोग किस आधार पर पैसे देता है, किस राज्य को ज़्यादा मिलेंगे, किसको कम मिलेंगे, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट क्या है कि जनसंख्या, क्षेत्रफल, वन, पारिस्थितिकी कितना है, आय का अंतर कितना है, कर और राजकोषीय प्रबंधन कितना है, जनसांख्यिकी कितना है, तो इन सब के आधार पर राज्यों को बंटवारा दिया जाता था। ये कौन से की बात थी, 15वें वित्त आयोग की बात थी, ठीक है। आप इनके चेयरमैन का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, सुन, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, मैं आपको हर बार बोलता हूँ, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, सबसे क्वेश्चन आते हैं हर साल, रिवाइज करके क्वेश्चन आते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप जल्दी से आप सिनॉप्सिस बना के तैयार कर लो, अच्छे से तैयार कर लो कि कोई क्वेश्चन ना बचे। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इनका ऑप्शन है, ये तत्व देश के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। अब देखिए, ये तत्व देश के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं, ना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हो गया, इन तत्वों में अंतर्निविष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। तो डीपीएसपी, ये आपको, ये सीधा ये लाइन तो आपको, क्या नाम है,
आपका लक्ष्मीकांत मिल जाएगी। तो ये इन्हें राज्य के द्वारा नहीं जबरदस्ती इन्हें लागू करवाया जा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही है और इस सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। तो अनुच्छेद, अब हम बात करते हैं, ये पिछली वीडियोस में भी मैं कई बार कर चुका हूँ, ये आर्टिकल कहाँ से आते हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए हैं। आप इनको एक बारी यहाँ से रीड जरूर कर लेना, जब एक बारी खुद पढ़ेंगे तो अच्छा है। और ठीक है, भाग चार में है ये, ठीक है। और ये कहाँ से लिए गए हैं ये पता होना चाहिए। ये लिए गए हैं आयरलैंड से, इनकी संकल्पना ली गई है, ठीक है। और बाकी आप नेक्स्ट उसमें आप पढ़ लेना स्वयं, क्योंकि आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए आप इससे ना एक पेपर से देखने से ये भी अंदाज लग जाएगा आपको कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। राज्य सभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। देखिए धन विधेयक जो है ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप विधेयकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन हो गया, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। दूसरा ऑप्शन हो गया, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। ऑप्शन तीन है, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। तो आपने देखा होगा तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण, ये आर्टिकल 112 आप पढ़ेंगे, इसके लिए बजट के लिए ये शब्द यूज होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो धन विधेयक है, कुछ मामले जो ऐसे हैं उन पर राज्यसभा की जो शक्ति है और लोकसभा की जो शक्ति है वो समान नहीं है। धन विधेयक को, जैसे कि अब हम बात करते हैं धन विधेयक को, ये केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा जो है धन विधेयक को या तो अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि संशोधित करने की शक्ति नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन सही है। तो राज्यसभा इसको कोई संशोधित नहीं कर सकती, अगर ये 14 दिनों के भीतर सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों को बिल को लोकसभा में वापस कर देना चाहिए। यानी कि इसके टाइम पीरियड है राज्यसभा के लिए ओनली 14 डेज, ठीक है। 14 डेज की बात करता है ये। आप आर्टिकल 112 अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, तो ये यहाँ पे गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाता है बी, ठीक है। और ध्यान रहे कि जो बजट है, बजट शब्द का संविधान में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया, कहीं भी उल्लेख इसका नहीं है। अब यहाँ जैसे ये बात कर रहा है कि राज्यसभा बजट में, तो बजट चर्चा तो कर सकती है, लेकिन अगर कोई संशोधन राज्यसभा करके भेजती है उसमें, उसको माने या ना माने उसकी लोकसभा की ऊपर है, लोकसभा कैसे कार्यवाही करेगी उसके ऊपर, वो लोकसभा जानती है, ठीक है। और जो है बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के बारे में कर और निर्धारण करने वाला कोई भी विधेयक संसद में पुनर्स्थापित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से बजट कंप्लीट पढ़ लेना, बजट के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। अब इसने पूछा है कि स्पष्ट रूप से किसको परिभाषित किया है, तो न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण। अब आप देखिए शक्ति का पृथक्करण के यहाँ से लेजिस्लेचर का यहाँ से निकलता है, बिल्कुल ऑप्शन गलत है। तो दूसरा है केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, ठीक है, तो ऑप्शन इसमें है। और भारत ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वायसराय की शक्तियां नहीं, और उसमें कोई नहीं, तो ऑप्शन इसका बी सही आंसर है, जिसका है कि केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, ठीक है। तो अब हम भारत शासन अधिनियम को देख सकते हैं, जो ये जो एक्ट था ये कौन लाए थे, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, ठीक है। तो आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड लाए थे, ये एक्ट पढ़ लेना। और लक्ष्मीकांत में स्टार्टिंग में सारे एक्ट दिए गए हैं, ठीक है, सारे एक्ट को ध्यान से देख लेना कि इसमें क्या क्या किया गया था। तो यहाँ पर इस एक्ट में एक और किया गया कि फर्स्ट टाइम जो है कि उत्तरदायी सरकार की बात की थी,
ब्रिटिश शासन ने उत्तरदायी सरकार की बात इस एक्ट के थ्रू कही थी। और इसके जो प्रमुख प्रावधान है वो ऐसे हैं कि जैसे भारत का जो सचिव था उसका वेतन ब्रिटिश कोष से दिया जाएगा। अब यहाँ पहले क्या है कि जो सचिव बनाया गया था उस समय, तो उसका जो वेतन था उसे कौन देगा? ब्रिटिश कोष के द्वारा दिया जाएगा। यानी कि पहले वो भारत के कोष से दिया जाता था, लेकिन अब ब्रिटिश कोष से दिया जाएगा। दूसरा है हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। ठीक है, जब हाई कमिश्नर बनाया था, देखिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई, लेकिन इसका वेतन कौन सा? भारतीय कोष से दिया जाएगा। ठीक है, केंद्रीय शासन में द्विशासनात्मक प्रणाली की बात, जैसे केंद्रीय इसमें क्या है कि देखो यहाँ पर एक और किया था, द्विशासनात्मक प्रणाली का इन्होंने किया गया था। जैसे इसमें कौन कौन सी किया था? इसमें केंद्रीय विधानसभा की बात की गई थी और राज्य परिषद की बात की गई थी। ठीक है, तो इसमें सेंट्रल विधान परिषद और राज्य परिषद, केंद्रीय राज्य परिषद का प्रावधान किया था। तो इसने प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ किया था, जिन्हें प्रांतीय विषयों का, इस एक्ट का एक और है, इसने क्या किया प्रांतों में, यहाँ पर क्या किया था? द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन की इसने शुरुआत की, जिन्होंने दो विषयों में बांट दिया था। एक तो थे आरक्षित विषय और एक थे हस्तांतरित। ठीक है, अब इन विषयों के बारे में आप पढ़ लेना। इसमें जैसे गवर्नर और उसकी कार्य परिषद के कानून लागू होते थे, इसमें प्रांतीय विधानमंडल कानून बना सकती थी। दूसरा, इस एक्ट में हुआ था भारत शासन में विषयों को पहली बार दो भागों, केंद्रीय और प्रांतीय भागों में विभाजित किया गया था, इसकी स्पष्ट अधिकारिता दी गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट है कि अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल के पास है, जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल के पास रखी गई थी। महिलाओं को सीमित मताधिकार दिया गया, ठीक है, ना कि सभी को। अब यहाँ महिलाओं को जो है सीमित मताधिकार दिया गया था इस एक्ट में, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। और इसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, दिस वन, सॉरी यार, हाईलाइट नहीं हो रखा था। तो हम ऑप्शन पढ़ेंगे। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट यानी कि रेफर किया जाता है, तो किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? देखिए ये ऑप्शन है कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, अब आप यहाँ पे कौन कौन सा पढ़ेंगे कि संयुक्त बैठक किन किन परिस्थितियों में बुलाई जा सकती है, इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं। ठीक है, ऐसे अब ये उसमें कह रहा है कि इसमें जब संयुक्त बैठक चल रही है, तो उस समय अगर कोई विधेयक पारित किया जाना है, तो उसके बारे में क्या हुआ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है कि ये पूछ रहा है कि मतदान की समय। ठीक है, तो ऑप्शन ए है उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत हो, ऑप्शन बी है उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत हो, और यहाँ पे सदनों का 2/3 बहुमत हो और सदनों का पूर्ण बहुमत हो। तो ऑप्शन आएगा यहाँ ए, जब उपस्थित और मतदान वाले जो सदस्य होंगे उनका सिर्फ साधारण बहुमत की जरूरत होगी। तो आप यहाँ पे जितने भी टाइप्स ऑफ बहुमत होते हैं, विशेष बहुमत वगैरह, वो आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इसके लिए जैसे कि आर्टिकल 108 में किसी विधेयक को, यानी कि जैसे धन विधेयक, तो संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। तो आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, अगर किसी विशेष विधेयक को, धन विधेयक वगैरह के बारे में अगर कोई दिक्कत आती है, तो आर्टिकल 108 आपको पढ़ना है यहाँ पे। अब ये कब होगी संयुक्त बैठक, कब कब बुलाई जाएगी? ठीक है, ये बुलाई जाएगी यदि सदन द्वारा भेजे गए विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार स्वीकृत कर दे, संशोधनों को मानने से इनकार कर दे, दूसरे सदन द्वारा, जैसे कोई बिना विधेयक को पास किए 6 महीने से ज्यादा समय हो जाता है तब। ठीक है, तो संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है, और आज तक सिर्फ 3 बार संयुक्त बैठक कही गई है, तो अब तक केवल 3 टाइम संयुक्त बैठक बुलाई गई है। देखिए अब इसकी क्यों, पहले तो हम देख लेते हैं संयुक्त बैठक की बुलाता कौन है। इसे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बुलाते हैं, अध्यक्षता जो करता है इसकी वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभी तक 3 बार इस विधेयक को बनाया गया है, तो जैसे इसमें मतलब संयुक्त बैठक हुई है, सॉरी, दहेज प्रतिषेध विधेयक जो आया था 1960 में, दूसरा एक विधेयक आया था बैंक से रिलेटेड, बैंक सेवा से संबंधित, ये 1977 का है। दूसरा, थर्ड था आतंकवाद वाला, ये था
2002 में, ठीक है? तो ये आप थोड़ा सा एक नज़र डाल लीजिएगा इन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। अभी कह रहा है कि भारत संघ की जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। ऑप्शन दो है, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। अब ये तो आपको सभी को पता होगा, ठीक है, कि क्या वो पदेन अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर ये क्या सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, तो ऑप्शन दो गलत है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, ये भी गलत है। आपको पिछली बार जो क्वेश्चन हुए थे 2014 के सॉल्व करवाए थे उसमें दिखाया था ये वाली जो शक्ति है ये राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है? तो इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पर आर्टिकल आप जो पढ़ेंगे आर्टिकल 74 पढ़ेंगे। देखिए यार ना, आर्टिकल एक से लेकर ना मतलब लगभग 90 मतलब 100 तक के इम्पोर्टेंट है। 100 से आगे भी कुछ जरूरी है, वो भी आप एक बार देख लिए। लेकिन 1 से 100 तक पता है, तो आगे के आर्टिकल्स में आप 90 ऐड करके या 89 ऐड करके उसमें आप एक देख सकते हो। तो लगभग सेम सा आर्टिकल राज्य से संबंधित आता है, कुछ आर्टिकल हाई कोर्ट वगैरह के हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, आप देख लेना। तो ऑप्शन ये वाला ऐसे क्वेश्चन सही हो जाता है। जो सिविल सेवा बोर्ड है ये क्या नाम है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है सर, इसके जो है केंद्र में वो इसका अध्यक्ष होता है। तो मुख्य सचिव मुखिया होगा वही राज्य में, ठीक है? तो यहाँ पर जो होगा इसका सिविल पदेन अध्यक्ष में जो है कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है? यार ये लिखा है, राइटिंग सही नहीं आ पाती है इस पर। खैर में कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अभी शायद एक क्वेश्चन इसमें से रह गया है। सॉरी, ये देखो मैंने बताया था कि पिछली बार भी नीति आयोग वाला क्वेश्चन जरूरी था। नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके स्थान पर की गई थी? तो आपको सिंपल योजना आयोग के आधार हटा के इसमें 2015 में नीति आयोग की स्थापना की थी। नीति आयोग के द्वारा कोई नई नई स्कीम चलाई जा रही हो वो आप देख लेना। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के संबंध में, देखिए आपको 2014 का जो क्वेश्चन पेपर कराया था उसमें भी अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन आया था, मैंने वहाँ भी इनका डिस्कस करा दिया था, डिस्कशन हुआ था। तो वहाँ पर आप एक बारी दोबारा वीडियो को देख लेना, ठीक है? तो यहाँ ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके किस लिए किए गए हैं, ठीक है? तो आप देख लीजिए, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित में है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाता है, अनुसूचित जनजातियों के बारे में। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल 244 पढ़ लेना है, 6वीं अनुसूची पढ़ लेना है, ठीक है? लगातार यहाँ से ना 2019 में भी क्वेश्चन आया, 2014 में भी इससे यहाँ से क्वेश्चन आया। तो आप ये अनुसूचियाँ एक बार ध्यान अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। 12 अनुसूचियाँ आसानी से याद हो जाती हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ याद करेंगे, पहली में क्या है, पहली में राज्य है, दूसरी में वेतन आ जाता है, तीसरी में आ जाती है शपथ आ जाती है, चौथी जो होती है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित, तो 5वीं अनुसूचित जनजातियों, 6ठी असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम से संबंधित है, 7वीं अनुसूची में विषय आ जाते हैं यहाँ पे, समवर्ती सूची, सेंट्रल केंद्रीय सूची, राज्य सूची आती है, 8वीं अनुसूची में भाषाएँ आ जाती हैं, 9वीं अनुसूची में जो है वो भूमि सुधार वाली आ जाते हैं, ठीक है, भूमि सुधारों से संबंधित है, और 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल से संबंधित है। आप बताया था 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 रहा है, और यहाँ का आपने आंसर कमेंट में नहीं दिया था, पिछले में मैंने पूछा था। तो ये जो है राजीव गांधी की सरकार थी इस समय, ठीक है? 11वीं अनुसूची जो है पंचायतों से संबंधित है, ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, और 12वीं अनुसूची जो थी ये संबंधित है आपकी नगर पालिकाओं से। इसका आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताएंगे, ये नगर पालिका 12वीं अनुसूची कौन सी में आई थी, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ की सरकार यूनियन
गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए है, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा ऑप्शन है, भारत की संसद के प्राधिकरण यानी कि ऑथराइजेशन के बिना कोई भी धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है कि संचित धन बिना कोई ऑथराइजेशन के नहीं निकाला जा सकता। तीसरा है, लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो ये यहाँ पर गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, राजस्व विभाग का कोई मतलब नहीं है, वह केंद्रीय बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ऑप्शन इसका भी सही है। तो आप यहाँ पर वही आर्टिकल 112 बजट से संबंधित आप यहाँ पर तैयार कर लेना, और जो संचित निधि के बारे में ये बात कर रहा है इसके लिए आर्टिकल आता है 266। ठीक है, तो संचित निधि एक ऐसी निधि होती है जहाँ पर सभी प्राप्तियों उधार उधार ली जाती है, सभी प्राप्तियों की उधार ली जाती है और भुगतान जमा किए जाते हैं। इसमें जैसे राजस्व, ऋण प्राप्तियाँ, ऋण की पुनरअदायगी आदि शामिल होते हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति जो होती है 266 के संबंध में ही काम करती है। तो आर्टिकल 266 देख लेना। ठीक है, और आकस्मिक एक निधि बनाई गई है, आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 में बनाई गई है। ठीक है, इसको 1950 से शुरू किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कि कस्टोडियन कहा जाता है? तो कस्टोडियन किसको कहा जाएगा आपके ऊपर ये क्वेश्चन है। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा सचिवालय, डी भारत का उच्चतम न्यायालय। तो जो कस्टोडियन कहा जाता है भारत का उच्चतम न्यायालय, क्योंकि कस्टोडियन मतलब उसकी अभिरक्षक के काम करता है। देखिए यार, सरकार चाहे कितने भी अधिनियम कैसे भी पार कर ले, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था केशवानंद भारती इसमें 1973 में। ठीक है, तो सरकार तो कुछ भी कर सकती है ना अपने हिसाब से। जो सरकार सत्ता में है वो तो कैसे भी पूर्ण बहुमत में है, तो वो तो कुछ भी अभी वो एक्ट पास करके आपके अधिकारों को कम कर सकती है। तो इसीलिए कस्टोडियन का कार्य कौन करता है? भारत का उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे, आर्टिकल 124 to 147 ये पढ़ेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो बीच में डिस्टर्ब हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। और ऑप्शन टू है, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति का नाम निर्देशित करता है। तो एक बार आप कमेंट करें जो भी वीडियो देख रहे होंगे बाद में। तो इसका ऑप्शन आप देखिए, तो पहला ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िए, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का आकार उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। तो ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन दो, किसी राज्य का राज्यपाल राज्यपाल नाम निर्देशित नहीं करता है, तो ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन होता है डी। ठीक है, तो कोई भी नहीं। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर विधान परिषद जो है, विधान परिषद यहाँ लिखा है, ये आती है आर्टिकल 169 में। ठीक है, और विधान परिषद में जो अधिकतम संख्या है विधानसभा की 1/3 यानी कि न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। या तो कितनी होनी चाहिए 1/3, या मिनिमम जो है वो होनी चाहिए 40। ठीक है, 40 होनी चाहिए, इसलिए कथन जो एक गलत हो जाता है। ठीक है, संसद अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है, जैसे परिषद के सदस्य 1/3 होने चाहिए, विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, ऐसे करके होता है। तो आर्टिकल यहाँ पर आप पढ़ेंगे आर्टिकल 171। देखिए यार, बेयर एक्ट की आप किताब होगी ना आपके पास, या फिर आप गवर्नमेंट की साइट पर जाके सीधा संविधान पूरा डाउनलोड कर सकते हो, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ये एक्ट आपको, ये आर्टिकल्स आपको पढ़ने होंगे, तो ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी होगी किसी किताब को पढ़ने से ज़्यादा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। अब इस क्वेश्चन को आप देखो,
भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता, ये एकता और अखंडता की बात करता है, तो ये कहाँ पे? अब बहुत से लोग इसका आंसर दे देंगे संविधान के उद्देश्य का, नहीं, जबकि ये ऑप्शन इसका गलत है। DPSPs में भी ये नहीं है, फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल ड्यूटीज में है, फंडामेंटल राइट में भी नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 51 के आर्टिकल आप इसे अच्छे से देखिएगा, जो जो स्वर्ण सिंह समिति कमेटी बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन किया था उस समय ये लागू हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये हुए थे। ठीक है, और एक इसमें अलग से आर्टिकल जोड़ दिया गया था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, इसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा था। ठीक है, तो आप इसमें आर्टिकल 51 क्या, तो सारे आप देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज को ध्यान से देखेंगे। देखिए, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता सब तो आपके उसमें आ जाते हैं उद्देश्य काम में, लेकिन ये प्रभुता की भी बात करता है, तो यहाँ से इसलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? देखिए, पंचायती राज क्यों किया गया? देखिए, सबसे आप आंसर देखिए एक बारी कि पंचायती राज व्यवस्था का क्यों किया गया। तो देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया गया पहला तो, ठीक है, दूसरा आप इसमें देखिए कि और क्या ही किया जाएगा। देखिए, राजनीतिक जवाबदेही ये तो नहीं बनता है। ठीक है, विकास में जनभागीदारी, बिल्कुल गांव के लेवल से ही विकास की बात करते हैं। ठीक है, तो एक और तीन ऑप्शन सही है, एक और तीन ऑप्शन सही है। वित्तीय संग्रहण का इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, जैसे आप राजनीतिक जवाबदेही को एलिमिनेट कर देते, जो पहले एलिमिनेशन चलता था वो इसी तरह से चलता था कि भाई दो तो ये गलत है, तो आप दो को देख लो, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं, आंसर आ गया सी पहले। लेकिन अब UPSC का जो नया पैटर्न है उसमें इस तरह से आंसर नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप जो पंचायती राज है, ये मैंने बताया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 जो हुआ था, इसे आप पढ़ लेंगे आर्टिकल 243 से। ठीक है, आर्टिकल 243 O तक पढ़ेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, तो इसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिष्ठापित किया गया है? देखिए, कल्याणकारी राज्य का, देखिए आप कल्याणकारी राज्य के, जैसे आप फंडामेंटल राइट्स में तो कल्याणकारी राज्य का नहीं दिखता, सातवीं अनुसूची में नहीं, उद्देश्य का में नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादा है, DPSPs में दिखता है। जो कोई भी राज्य विधि बनाता है तो वहीं यहीं से लाता है। जैसे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे आर्टिकल 44 में दिया हुआ है, ऐसे आप देख सकते हैं, आर्टिकल 36 से 51 भाग 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, ये अंतिम क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली की सरकार। अब ये संसदीय प्रणाली की सरकार क्या है? ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन बचता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देख लें, और थैंक यू, लगातार बने रहे हमारे साथ।